आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है। लखनऊ पहुंच चुके हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम योगी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया है। मन की बात सुनेंगे जेपी नड्डा। सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। होटल होलीडे इन ट्रांसपोर्ट नगर में एक कार्यक्रम है। 12 बजे महिला हाफ मैराथन में शामिल होंगे। जॉगर्स पार्क में महिला हाफ मैराथन होगी। 13 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा माँ कृपा लॉन में संकल्प यात्रा का कार्यक्रम होगा। 3:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे जेपी नड्डा। अपडेट इस वक्त ये है कि लखनऊ पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और अब से कुछ देर बाद सीएम योगी के साथ वो भी मन की बात सुनने वाले हैं। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचे और यहाँ पर उनका स्वागत किया गया। सीएम योगी खुद उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे और अब वो सीधा यहां से होटल हॉलीडे इन जाएंगे और वहां पर मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विशाल का रुख कर लेते हैं। इस वक्त विशाल हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। विशाल, जेपी नड्डा लखनऊ पहुंच चुके हैं, अभी आप कहां पर मौजूद हैं? यहां से तस्वीरें भी दिखाइए और अब यहां से उनका सीधा क्या कार्यक्रम रहने वाला है जरा वो भी बताइए। देखिए बिल्कुल, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर वो पहुंचे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है और फिलहाल आपको तस्वीर दिखाया था कि मैं इस वक्त हॉलीडे इन में मौजूद हूं और बस अब एयरपोर्ट से कुछ ही देर के बाद यहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचेंगे। बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे और आज मन की बात का कार्यक्रम जो है वो यहां पर आयोजित किया जा रहा है और यहां पर प्रधानमंत्री के मन की बात के सुनने के लिए जो लोग हैं वो आए हुए हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। कहाँ से आए आप लोग? बदारी खेड़ा। आज प्रधानमंत्री की मन की बात सुनेंगे, साल का अंतिम है। जी जी जी, सुनेंगे बिल्कुल। मुख्यमंत्री और नड्डा जी भी रहेंगे। पहले मुलाकात हुई है कभी मुख्यमंत्री? नहीं, कभी नहीं। देखिए ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं और आप देख सकते हैं तमाम बुजुर्ग बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आज साल के अंतिम मन की बात है, इस पूरे साल भर की मन की बात है। किस मन की बात से सबसे ज्यादा आप लोग प्रभावित रहे? मोदी जी की जो मन की बातें इन्होंने देश के विकास के लिए की, गरीबों निचले तबके के बारे में सोचा, उसी से प्रभावित। आप आ चुकी अंतिम दिन है साल का और आज मन की बात हो रही है, क्या कुछ नया सुनने को आप लोग सोच रहे होंगे? नया सबसे ज़्यादा यूथ के लिए जरूरत आवश्यकता है। अगर किसी यूथ के लिए किसी कार्यक्रम को किया जाए, प्रचारित किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि देशभक्ति का जो कार्यक्रम उन्होंने जगाया, राम भक्ति देशभक्ति का, यह अद्वितीय है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि यहाँ पर पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं और आज चूंकि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ में मन की बात कार्यक्रम जो है सुनेंगे, तो फिलहाल बस अब कुछ ही देर के बाद यहाँ पर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुँच जाएंगे। एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, वहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। तमाम कार्यकर्ता चूंकि उनके एक दिवसीय कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर जो है तमाम तैयारियाँ की रखी गई हैं और यहाँ से निकलने के बाद सीधे जो है वो और मुख्यमंत्री जो एक मैराथन दौड़ हो रही है जो केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर करा रहे हैं, उस दौड़ में जो है जाके उसको हरी झंडी दिखाएंगे और जॉगर्स पार्क में, उसके बाद विकसित संकल्प यात्रा जो है उसमें जेपी नड्डा जाएंगे और उसके बाद वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि एक दिवसीय कार्यक्रम है और अपने इस कार्यक्रम के तहत जेपी नड्डा लगने के बाद यहाँ पर होटल हॉलीडे इन आएंगे और यहाँ पर जो मन की बात है प्रधानमंत्री की वो सुनेंगे। ठीक है विशाल, अभी के लिए आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।